दोस्तों आज के मज़मून का उनवान है दाऊद बादशाह। दोस्तों साऊल दाऊद से हसद करता है और उसे कत्ल करना चाहता था, इसलिए दाऊद वहां से किसी महफूज जगह पर चला गया। दाऊद एक बड़े ग़ार में 400 पैरोकारों के साथ रहा। दोस्तों कभी कभार साऊल के सपाही दाऊद को ढूंढ ही लेते थे, लेकिन वो और आगे बढ़ जाता था। साऊल का एक नौकर उसे बताता है कि काहनों ने दाऊद के भागने में उसकी मदद की, उसके कत्ल का हुक्म दिया। दोस्तों तब दाऊद 85 काहनों को उनके खानदानों समेत कत्ल करवा देता है। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया कि जब साऊल पूरी तरह दाऊद के कब्जे में आ गया था, साऊल सो रहा था, लेकिन दाऊद ने साऊल को कत्ल नहीं किया बल्कि उसकी पोशाक का एक टुकड़ा काट लिया और उसे अपने पास रख लिया। और जब साऊल चला जाता है तो दाऊद साऊल को कहता है कि देख, तेरी पोशाक के दामन का टुकड़ा मेरे पास है, अगर तुम्हें मैंने मारना होता तो मार सकता था, लेकिन मुझ में किसी किस्म की बदी या बुराई नहीं। दोस्तों साऊल इस बात पर अफसोस करता है कि दाऊद को कत्ल करना चाहता है, लेकिन जल्द ही साऊल का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो 3,000 जवानों का एक लश्कर तैयार करता है। दोस्तों एक रात को जब साऊल लश्कर में सो रहा था अपने हैमा में, तो दाऊद और अभी ही उसका सपाही बादशाह के खेमा में घुस जाते हैं जहां साऊल सो रहा था। दोस्तों तब अभिषेक कहता है कि देख, तेरे दुश्मन को खुदा ने मेरे हाथ में कर दिया, अब मुझे इजाज़त दे कि मैं एक ही वार से उसे कत्ल कर दूं। तब दाऊद ने उसे मना किया और साऊल की पानी की सराही और नेजा उठाकर वहां से चला गया। रास्ते में दाऊद चलाता है जब तक कि साऊल सुन नहीं लेता और कहता है कि देख, मैं तुझे मार सकता था लेकिन नहीं कत्ल किया, इसलिए ये देख, ये तेरा नेजा है और ये तेरी सराही है, ये इस बात की गवाही देती है कि तू मेरे हाथ में था और मैंने बदी नहीं की। दोस्तों एक बार फिर साऊल इस बात का अफसोस करता है कि वह दाऊद को कत्ल करना चाहता है, लेकिन दाऊद जानता था कि वह साऊल की मकारी पर भरोसा नहीं कर सकता। दोस्तों नबी शमूएल की वफ़ात हो जाती है। दोस्तों ये वो नबी था जिसने साऊल के बाद दाऊद को भी बादशाह बनने के लिए मसा किया था। दोस्तों जब फलस्तीनियों से जंग हुई तो साऊल ने होलनाक नाफरमानियाँ की और वो काम किए जिनको खुदा ने उसे करने से मना किया था। दोस्तों साऊल ने एक गुनाह ये भी किया कि वो एक जादूगरनी के पास जाता है और शमूएल की रूह को बुलाता है। दोस्तों ये एक बदी थी, इसलिए खुदा साऊल से अलग हो और शमूएल की रूह ने साऊल को बताया कि खुदावंद ने तेरे हाथ से सल्तनत छीन ली है और तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दी है, और देख कल तू और तेरे बेटे भी मर जाएंगे और खुदा इसराइल का लश्कर भी फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा। जब साऊल ने यह सुना तो खौफज़दा होकर ढेर हो गया। दोस्तों बाद अज़ां फिलिस्ती इसराइल पर हमला करते हैं और इसराइल के सब मर्द भाग जाते हैं। फिलिस्ती साऊल के बेटों बशमूल योनतन का भी कत्ल कर देते हैं जो कि दाऊद का बहुत अच्छा दोस्त था। दोस्तों साऊल को तीर अंदाजों ने जख्मी कर दिया और वहाँ साऊल चाहता था कि दुश्मन के हाथ से जिल्लत की मौत ना मरे। तब साऊल ने अपनी तलवार निकाली और उस पर खुद ही गिर गया और मर गया। दोस्तों फिलिस्तीनियों ने साऊल और उसके बेटों की लाशों को ढूंढ लिया और शहर की दीवार के साथ बांध दिया और लटका दिया। दोस्तों कुछ बहादुर इसराइलियों ने उसकी लाश को वहां से उतार लिया और उनके दफन का इंतजाम किया। दोस्तों जब दाऊद ने यह सुना तो खूब मातम किया और रोया, और साऊल के बेटों और योनतन और खुदावंद के लोगों के लिए शाम तक फाका किया क्योंकि वो तलवार से हलाक हुए थे।